खबर कानपुर देहात से, जहां विकासखंड संदलपुर की ग्राम पंचायत कोरौआ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप तीव्रता से एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिए, जिसमें मुख्य रूप से अमृत सरोवर फाउंटेन व चारों तरफ जाली लगाने के लिए अमृत वाटिका, गार्डन विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभागों की प्रगति के विस्तार से बिंदुवार रहे समीक्षा की, जिसमें कुछ जगह पर जल भराव भी देखा गया। उन्होंने जल से जल इंसुलेंट लगाकर जल निकलवाने का निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर जूनियर हाई स्कूल के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि जो कार्य ग्राम पंचायत में अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे PWD सड़क, गलियों में मरम्मत, खेल मैदान व पंचायत भवन प्रस्तावित है, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत में सभी कार्यों को सतर्कता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्य कराने का निर्देश दिया। घरौनी वितरण के कार्य को भी राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र पूर्ण करवा लिया जाए, ताकि कार्यक्रम में घरौनी वितरण का कार्य भी सफल पूर्वक हो सके। इसके पश्चात मुख्य विकास के अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय कौड़वा का निरीक्षण किया, जहां पर मौके पर उपस्थित बच्चों के से गणित के सवाल हल करवाए एवं कुछ टिप्स भी दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रमण कार्यक्रम के तहत एक कार्य योजना इस प्रकार तैयार कर ले कि कौन सा कार्य किस दिनांक तक पूर्ण करना है, ताकि कार्यक्रम का सफल आयोजन पूर्ण हो सके। डीसी मनरेगा हरिश्चंद्र ने बताया कि जन प्रतिनिधियों को भ्रमण कराए और योजना के संबंध में जन प्रतिनिधियों को अवगत कराए। इस दौरान CDO सौम्या पांडे, जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, PD दिनेश कुमार यादव, डीसी मनरेगा हरिश्चंद्र एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।